अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर। माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, व्योमेस एम डी इल्मुल अद्विया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्विय मादनिया में अपना लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, ये है नमकियात यानी कि सॉल्ट्स। इसमें चार पांच तरह के सॉल्ट्स आप लोगों को पढ़ना है। इसमें इसी सीरीज़ में हम पहला सॉल्ट अपना लेते हैं नमक सांभर। नमक सांभर का जो साइंटिफिक नेम होता है, ये होता है सोडियम क्लोराइड। इसके कई मुतरादिफ नाम है, जैसे इसको कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट, और इसे खाने का नमक कहा जाता है, क्योंकि जो हम जनरली हम घरों में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वही नमक सांभर होता है। इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट, खाने का नमक, नमक त्वाम कहा जा रहा है। त्वाम कहा जाता है खाने को, यानी इसका वही मतलब है, नमक त्वाम यानी कि खाने का नमक। चलिए अब इसकी माहियत समझ लेते हैं। नमक सांभर, तो ये जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया कि ये खाने का आम नमक होता है, जिसको हम लोग खाने में रोज़मर्रा में इस्तेमाल करते हैं। ये नमक जो हमें हासिल होता है, ये हिंदुस्तान के सूबा राजस्थान में एक मशहूर झील है, जिसे सांभर झील कहा जाता है। इस झील का नाम ही सांभर झील पड़ गया है। इसके पानी को खुश्क करके इसको तैयार किया जाता है, नमक सांभर को। और जब ये हमें हासिल होता है, तो ये डेलियों की शक्ल में हमें हासिल होता है। फिर बाद में इसका पाउडर बना लिया जाता है। और इसके रंग की बात करें, तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका रंग सफ़ेद होता है। इसका जायका तेज़ नमकीन होता है, और इसमें कोई स्मेल नहीं होती है। मिजाज की बात करें, तो इसका मिजाज गर्म खुश्क होता है, दूसरे दर्जे में। चलिए अब इसके अफाल जान लेते हैं। तो ये मुसहिल रतूबत बलगमिया होता है, यानी कि जो बलगमी रतूबात होते हैं उनको ये इसहाल के ज़रिए से खारिज कराता है। और ये हाजिम है व कासिर रिया है, यानी कि ये डाइजेस्टिव एक्शन रखता है। और ये कार्मिनेटिव है, यानी कि जो कलीज रिया मैदे में जमा हो जाती है, उसका इज्तिमा हो जाता है, उस कलीज रिया को बाहर खारिज कराता है। और ये मुद्रे बॉल एक्शन रखता है, यानी कि ये डायूरेटिक है। मुद्रे हैज एक्शन भी है इसका, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो अगर रुक गया है किसी वजह से, तो ये इसको जारी कराता है। और ये जाजिब रतूबात है, यानी कि एब्जॉर्प्टिव इसका एक्शन है, रतूबात को ये खुश्क करता है। चलिए अब इसके इस्तेमाल समझते हैं। ये दाफे अमराज बलगमी है, यानी कि ये मुसहिल, जैसा कि हमने इसके अफाल में पढ़ा था कि ये मुसहिल रतूबात बलगमी है, उसकी वजह से ये जो बलगम का इज्तिमा हमारी बॉडी में हो जाता है, उस बलगम को ये खारिज कराता है, जिससे जो बलगमिया किस्म के अमराज होते हैं, जो बलगम के जमा होने की वजह से हमारी बॉडी में पैदा होते हैं, ये उन सभी अमराज में ये फ़ायदा पहुँचाता है। और ये वजौल मैदा, यानी कि अगर मैदे में पेन है, दर्द है, तो ये उस दर्द को भी दूर करता है। अगर वो दर्द इनडाइजेशन की वजह से या रिहा की वजह से है, तो ये उस दर्द को दूर करता है। नफ़ाक शिकम, जैसा कि ये कासिर रिया है, तो ये मैदे में जो रिया अकुमलेट हो जाती है, गैस जमा हो जाती है, तो ये उसको खारिज कराता है, ये फ्लैचुलेंस को दूर करता है। और ये दाफे कब्ज़ भी है, यानी कि ये कब्ज़ को दूर करने के लिए इसका आमतौर पे हुकना इस्तेमाल कराया जाता है। और अगर गर्म पानी में मिलाकर इसको नहलाया जाए मरीज़ को, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो दर्द होते हैं, उन दर्दों में काफ़ी आराम मिलता है। चाहे जोड़ों का दर्द हो, हाथ पैरों का दर्द हो, अगर हम गुनगुने पानी करके उसमें नमक डालें और उसे नहलाएं, तो उन दर्दों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वर्म मैदा, जो गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। और वर्म हंजरा और वर्म लॉजतेन, यानी कि जो फेरेंजाइटिस हो जाता है और जो टॉन्सिलाइटिस होता है, टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन हो जाता है, उन दोनों ही कंडीशन में अगर इसका आप नीम गर्म, यानी कि गुनगुना पानी लेकर ल्यूक वार्म वाटर में अगर ये नमक शामिल करके उसका गरारा कराया जाए मरीज़ को, तो उसमें टॉन्सिलाइटिस में और फेरेंजाइटिस वगैरह में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाता है ये।
चलिए अब इसका डोज जान लेते हैं। इसका डोज होता है 0.5 से 1 ग्राम। ये जो सारे अफाल हैं, अगर हम इसे ओवर डोज ले लेंगे तो इन अफाल से ज़्यादा हमारी बॉडी पे इसके साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर होंगे। इसलिए इसका डोज का एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाने में भी हमें नमक को लिमिटेड क्वांटिटी में ही लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसकी मकदार ख़ुराक हमारी पर डे की 0.5 से 1 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सोडियम होता है, इसमें क्लोरीन होता है। इसका मुज़िर असर जान लेते हैं। मुज़िर असर ये होता है कि अगर इसे जो इसकी रिकमेंडेड डोज है उस डोज से अगर ज़्यादा ले लिया है तो ये बहुत ज़्यादा मौतिश असर रखता है, यानी मरीज़ बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लगती है। आप लोगों ने खुद ही मुशाहिदा किया होगा इस चीज़ का। कभी आप लोग ज़्यादा नमक खा लेते हैं, खाने में कभी ज़्यादा नमक पड़ जाते हैं, उसके बाद बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार पानी पीने की तबीयत हमारी होती है। और ये मुहर्रिक़ दम है, यानी कि खून को जलाता है, खून को यानी ब्रेक डाउन करता है आरबीसी में, अगर हमने ज़्यादा इसे ले लिया है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इसका मुसले एक्शन क्या होता है? इसका हम मुसले दे सकते हैं कि मरीज़ को फिर ठंडी ग़ज़ाएँ दें, बारे दशिया का इस्तेमाल करने को कहें, तो इसका जो मुज़िर असर है उसमें काफ़ी हद तक इफ़ाक़ा हो सकता है। मशहूर मुरक्कब है, इसका एक सफ़ूफ चुटकी आता है। इसको चुटकी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक चुटकी भर ये इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। और इसका दूसरा एक मशहूर मुरक्कब है नमक शेख़ुर्रईस। ये मुरक्कबात में इंशाल्लाह आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे।